हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। पूरे 8 दिनों बाद मैं आप लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन इन 8 दिनों में बहुत कुछ हो गया ये मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन हाँ मैं दिखा ज़रूर सकता हूँ एक शर्त पे। अगर आप इस वीडियो से लेके जो मेरी एंड वाली वीडियो हो, मतलब इस वीडियो का एंड नहीं लेकिन जो एंडिंग वाली वीडियो हो इस पूरे टूर की, जब तक आप साथ रहें तो आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सप्लोर हमने की हैं वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे डेयरिंग एडवेंचरस ट्रिप था। सो हियर वी गो। इस जल्दबाजी में मैंने अपनी टिकटॉक वाली कला आजमाई और टन 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 और जब इंसान पहली बार काम कर रहा हो तो वो बिल्कुल घनचक्कर हो जाता है। चलो भाई लेट्स गो। भाई कहाँ जा रहे हैं? अरे अभी तो बस देखते जाओ, अभी तो निकले हैं। और मैं हमेशा की तरह कंफ्यूज ही रह गया। हैं अब कहाँ? भाई एडवेंचर करना है ना। हाँ? गाड़ी में थोड़ी होगा, चलो बस में चलेंगे। अबे ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार? एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। और हम सुबह का नाश्ता कर ही रहे थे कि अचानक बारिश हो गई, तो हमने अंदर जाकर अपना नाश्ता कंप्लीट किया। उस्ताद सोचते हुए कि इन बच्चों को मैंने ही संभालना है। आ जाओ भाई आ जाओ। पैसा ही पैसा। स्पीच रेडी की तुमने? हैं स्पीच रेडी की तुमने? ये नहीं होगा मुझसे, मैं बता रहा हूँ आपको। क्यों नहीं तो करना होगा भाई? ये नहीं कर सकता, ये फेस नहीं होता मुझसे। एक तो लंबे सफर में मुझे शूज क्यों पहनाते हैं? एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में बैग रख रख के मैं थक गया हूँ, अब चल भी लो यार। भाई आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इस ओरिएंटेशन क्लास से। आरिफ भाई बहुत अच्छे टूर गाइड है, इनको माशाल्लाह आप उस बिल्डिंग के बारे में पूछेंगे नॉलेज बहुत है इनको। चल झूठा, बस मैं आता हूँ, आप तो जानते ही होंगे छोटा मोटा आदमी हूँ मैं। जेबें भरी रहती है नोटों से। हमारे साथ फर्स्ट टाइमर आते हैं उमर खयाम भाई। उमर खयाम अपने आप खड़े हो जाए हम सलाम का जवाब दे देंगे। थक गए आगे आ जाए। उतर है, मैं तेरी इंक्वायरी कराना, मैं तेरा हिसाब जब जब दर्द का बादल बादल नहीं मेरी बारी पागल। अच्छा मैं आईटी का स्टूडेंट हूँ, यहाँ पे आने का मकसद ये है कि बहुत अच्छा ट्रिप होता ही है, तो एक स्टोरी टेलिंग में मुझे दिखाना है सबको एंजॉयमेंट क्या होती है। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। कोई अपना सऊदी और दुबई के दोनों ट्रिप छोड़ के मैंने इस ट्रिप को ज्वाइन किया है। वाह भाई ये छोटा इंट्रोडक्शन। और सफर का आगाज यहाँ से हुआ। मामा रास्ता है, और देखते देखते यहाँ से हमारा ट्रिप स्टार्ट हो गया। अब पता नहीं ब्रेक कहाँ लगेगा। अबे ये क्या W11 में बैठे हुए हैं क्या? भुट्टे वाले आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। जाए आ जाए W11 चल रही है, आ जाए।
आ जाए, डब्ल्यू कह रहा है भाई आ जाए। मेरे स्कूल के दोस्त इतनी दूर से मुझसे मिलने आए। हाँ, कौन से स्कूल में आप? तब आ क्यों नहीं रहे, शर्मा क्यों रहे थे सारे हैं? और जब आपके साथ इतने नेक लोग हों तो टेंशन किस बात की। और जब आंखें खुली तो खुली रह गई, क्या मंजर था। ये मंजर सपने से कम था नहीं। और इसको भागता हुआ देखकर मुझे अपना पुराना टूर याद आ गया। ऐसे ही गनी हमें छोड़ के भागा होगा। खैर छोड़ो। और ऐसे ही पीछे से आवाज आई, चलो भाई चलो रात हो जाएगी। लेकिन मैंने बोला क्या सुकून है इधर। अल्लाह के नाम पे 10 का नोट दे दे भाई साहब। और इसे कहते हैं सुकून से क्रिकेट खेलना, क्या बात है। और फाइनली हम लोग हमारे होटल आ गए और यहाँ पर सब हम अपना अपना सामान ले रहे हैं क्योंकि सेल्फ सर्विस। और मैं अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था कि अचानक इधर आवे, यहाँ पर रूम दिखाया गया और मैं सीधा रूम के अंदर। यहाँ हम मज़े कर रहे थे और हमें दूसरी साइड पे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है हमारे जाते ही। बादलों में जब मैंने धुआं देखा तो मैंने बोला ये क्या सीन है, चलो चलते हैं। देखा तो गीजर है ना ये, पानी जैसे पानी जाएगा बेहतरीन यार इतनी। We need to explore something new with Shahji। आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम यार। ये बाइक तो दें आप। बाइक मिल गई। मैंने सोचा कि यार सब सो रहे हैं यहाँ पर तो फिर जाए, और कहीं जाने के लिए हमारे पाँव में इतनी ताकत नहीं थी कि हम चले बाइक पे घूमने का। और हमें क्या पता था जहाँ पर हम शॉपिंग कर रहे हैं वहाँ का नाम और निशान नहीं रहेगा आने वाले कुछ टाइम में। यहाँ का शहद है। अच्छा हमको सिखा रहा है। तो यहाँ के क्रिस्टल है, ये वो वाला क्रिस्टल नहीं है लोगों। सर एक्सप्लोर करें तो सही तरह ही करें ना सारी चीजें। अरे बहुत ऑन लगेगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई, कैसे हैं? देखो भैया अल्हम्दुलिल्लाह। किस साल का बच्चा पहन लेता है ये? छोटा बड़ा है। हाँ बच्चा क्या सही है, फिर दावियार के लिए ले लेता हूँ मैं। ये लगेगी सर दोनों। अब इतना खर्चा हो गया है मालिक तो जरा पेट पूजा भी हो जाए। Thank you.
नाइस। खाने के बाद मीठा जरूर खाना चाहिए क्योंकि सुन्नत भी है और मजेदार भी। लूडो हम ले चुके हैं, यार ये कपड़े हम ले चुके हैं। होटल पहुंचे थे और पहुंचने के बाद हमें पता चला कि हमें फिर से कहीं जाना है खाना खाने। चलो ये अच्छा था कि हमारा डिनर जो था वो वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो हम सीधा पहुंचे कढ़ाई खाने। दाल छोड़ो, कढ़ाई पे टूट पड़ो सब के साथ। पर मैं ये सोच रहा था कि बिल बड़ा फटने वाला है एकदम से। अच्छा सॉरी, मुझे पता है आपको पता है। खैर सब छोड़ो, खाना खाते हैं उसके बाद बात करते हैं क्योंकि पेट में चूहे कबड्डी कबड्डी खेल ले। पेट पूजा के बाद सीधा पहुंचे हम लोग होटल और अब मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है तो मैं सो रहा हूँ। लाइक कमेंट एंड शेयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब क्योंकि कल कुछ अलग ही हुआ था। दरवाजा खुला हुआ है भाई, सुबर सुबर रहो। और कल से एडवेंचर स्टार्ट, लेट्स गो।